हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशिफ और आप देख रहे हैं UI डेवलपर कोड। दोस्तों, हम अक्सर फोल्डर या फिर डायरेक्टरी बनाते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं, रीनेम करते हैं, किसी दूसरे फोल्डर में मूव करते हैं या फिर उसको डिलीट करते हैं, पर ये सब चीज़ें हम टर्मिनल की हेल्प से कैसे करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मेरा टर्मिनल है और यहाँ पे साइड में मैंने विंडो ली है ताकि जब भी मैं कोई फोल्डर बनाऊँ आप उसको इजीली यहाँ पे देख पाएँ। तो सबसे पहले फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए कमांड होती है mkdir, यानी कि मेक डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नाम मैं रख लेता हूँ डाटा, और एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा फोल्डर यहाँ पर बन गया है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं फोल्डर। ये देखिए, जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे उस नेम से फोल्डर बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इस जो मैंने फोल्डर बनाया है उसको रीनेम कैसे करते हैं। तो रीनेम करने के लिए सिंपली कमांड होती है mv और स्पेस, जिसको मैं मुझे रीनेम करना है उसका नाम, और स्पेस देने के बाद उसको फाइनली उसका नाम क्या रखना है। अब उसकी जी में उसका नाम रखना है data2। ठीक, जैसे मैंने एंटर किया डेटा से डेटा 2 हो गया। फोल्डर को भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं, mv स्पेस फोल्डर, फोल्डर को कर देते हैं folder2। देखिए folder2 भी चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेटा के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे गया और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करने पे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसके अंदर चला गया, यहाँ पर उस फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए सिंपली लिखते हैं cd स्पेस उस फोल्डर का नाम। यहाँ पे देखेंगे आप, मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, kdir बॉक्स नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स नाम से बन गया। अब यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ वहीं पर ही। अब यहाँ पर वापस कैसे जाएंगे, तो यहाँ वापस जाने के लिए होता है cd स्पेस डॉट डॉट, यानी कि एक फोल्डर मूव पीछे जाना है हमें। तो देखिए, मैं दोबारा से वहीं डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। तो हमने रीनेम भी देख लिया है और डेटा फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं वो भी देख लिया है। अब देखते हैं डेटा को, इस फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली कमांड होती है cp -r। अब जिस फोल्डर को कॉपी करना है उसका नाम, यहाँ पर मेरे फोल्डर का नाम है 2, और कहाँ पर कॉपी करना है मैं कॉपी कर देता हूँ फोल्डर 2 के अंदर। एंटर करता हूँ तो अब हम यहाँ देखेंगे फोल्डर 2 के अंदर जाके, ये देखिए डेटा 2 नाम से फोल्डर कॉपी हो गया है, और डेटा 2 के अंदर एक बॉक्स बना, फोल्डर बना हुआ था, तो ये पूरी डायरेक्टरी इस फोल्डर के अंदर हो गई है। इसके अंदर डेटा 2 आ गया है, डेटा 2 के अंदर बॉक्स भी आ गया है। तो गाइस, अब देख लेते हैं मूव कमांड कैसे वर्क करती है। मूव कमांड सिंपली वर्क करती है जैसे कि रीनेम वर्क करती है mv से, ऐसे ही मूव कमांड वर्क करती है। तो mv दबाकर मैं, अगर सपोज़ कीजिए, पहले मैं इसको नाम ही चेंज कर देता हूँ, mv डेटा का नाम कर, डेटा 2 का नाम मैं कर देता हूँ डेटा कर देता हूँ फिर से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, डेटा हो गया है। अब डेटा को मुझे फोल्डर 2 में मूव करना है, यानी कि डेटा को इस फोल्डर 2 के अंदर मूव करना है, तो सिंपली मैं वैसे ही लिखूँगा mv डेटा, और कहाँ पर मूव करना है फोल्डर 2 के अंदर। एक डेटा जो है इसके अंदर आ गया है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, अगर आपको ये हो रहा होगा कि रीनेम और mv दोनों सेम कमांड ही है, एक मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ कन्फ्यूजन। मैंने हेल्पर नाम से बना लिया है। अब सपोज़ कीजिए मुझे फोल्डर 2 का नाम चेंज करना है, क्योंकि मूव की कमांड भी यही होती है और रीनेम की कमांड भी यही होती है। तो फोल्डर 2 को अगर मुझे मूव करना है हेल्पर में, तो अगर इसको ये फोल्डर मिल जाएगा तो ये फोल्डर 2 इसमें मूव हो जाएगा। अगर इसको ये हेल्पर नहीं मिलेगा तो ये फोल्डर 2 का नाम हेल्पर, जो भी यहाँ आप नाम दोगे यहाँ पे, वो चेंज कर देगा। पर यहाँ पर हेल्पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये फोल्डर 2 हेल्पर के अंदर मूव हो जाएगा। देखिए, हेल्पर के अंदर मूव हो गया है। तो रीनेम और मूव कमांड में यही डिफरेंस होता है। अगर हम सेम डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, सेम फोल्डर में हैं, और वहाँ पर अगर हम mv कमांड चलाते हैं, किसी को रीनेम करते हैं, अगर वहाँ पर सेम नाम का फोल्डर है तो वो उसके अंदर मूव हो जाएगा, अदरवाइज़ वो उसको रीनेम कर देगा। अब मैं देख लिया, आपको दिखाता हूँ, मैंने मूव तो दिखा दिया है।
तो चलिए गाइज अब देख लेते हैं डिलीट कैसे करते हैं किसी फोल्डर को। तो सिंपली फोल्डर को डिलीट करने के लिए कमांड होती है आरएम, वैसे ही माइनस आर और उस फोल्डर का नाम मैं एंटर करूँगा तो हेल्पर डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे शैडो डिलीट करना है आरएम माइनस आर और उस फोल्डर का नाम एंटर करता हूँ, ये भी डिलीट हो जाता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें।